हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। अब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं महाजनको में आई वैकेंसीज के बारे में, और इसकी सारी डिटेल्स आपको पता चलने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसे क्वालिफिकेशन है, क्या तरीका है कि आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोज लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी की। तो ये जो वैकेंसी आया हुआ है, ये आया है महाजनको। इसको हम लोग फुल फॉर्म इसका जो है वो है महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। और इसमें तीन प्रकार के इसमें पोस्ट दिए गए हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये इसमें पोस्ट हैं। और अगर हम देखें कि इसमें जो पोस्ट का जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, पावर इंजीनियरिंग, ये सारे ब्रांच से रिलेटेड आपको बैचलर डिग्री होना कंपलसरी है। अब कई लोगों का सवाल होगा कि बैचलर डिग्री में कौन सा, तो बी या बी टेक, अगर आपने दोनों में से कोई भी किया हुआ तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी फील्ड का, और अगर आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर हो जाता है तो आपको जो सैलरी इसमें दिया जाएगा वो भी यहाँ पर बता दिया गया है। ये पे स्केल बताया गया है, तो ये होगा आपका 81,695 रुपीज़ टू 1,75,960 रुपीज़ पर मंथ के बीच में आपको ये पे स्केल होगा, और इसके साथ साथ आपको अदर अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे यानी एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो इसके लिए भी सेम ग्रेजुएशन होना आपको जरूरी है, साथ ही साथ आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और इसमें पे स्केल है आपका 68,000 टू 1,54,930 रुपीज पर मंथ। इसके बाद जो पोस्ट हमने जो बात किया था वो है डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इसमें भी क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है और ये रिलेटेड ब्रांच से ही आपको ग्रेजुएशन किया होना जरूरी है, और इसमें आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा 61,000 टू 1,39,925 रुपीज पर मंथ के बीच, और इसके साथ साथ आपको अदर अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये तो था इसका सैलरी यानी पे स्केल, और साथ ही साथ हमने देखा इसका क्वालिफिकेशन। अब इसमें एज लिमिट क्या दिया गया है, तो एज लिमिट अगर हम देखें तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए 40 इयर्स है, एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए भी 40 इयर्स, और डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए 38 इयर्स। लेकिन जो कैंडिडेट इसी संस्था में वर्क कर रहे हैं, पहले से वर्क कर रहे हैं और अब एक प्रमोशन के लिए वो चाहते हैं कि इसको अप्लाई करें, तो उनके लिए यहाँ पर 57 ईयर का एक एज लिमिट दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये 57 ईयर सिर्फ और सिर्फ इसी संस्था में जिन जो लोग वर्क कर रहे हैं उनके लिए है, बाकी सभी के लिए ये 40 ईयर्स और 38 ईयर्स रखा गया है। अब इसके साथ साथ जो कैंडिडेट कैटेगरी वाइज बिलोंग करते हैं उनके लिए भी इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब बात करते हैं इसमें आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है, ऑनलाइन तरीके से आपको अप्लाई करना है, और इसका लिंक आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा, साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पर भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आप सेलेक्ट कैसे होंगे। सो सेलेक्शन प्रोसेस जो है जैसे ही अप्लाई करेंगे वहां से शुरू होता है। सबसे पहले आपका एक होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद आपका एक इंटरव्यू राउंड होगा, और इंटरव्यू और दोनों जो दोनों के मार्क्स हैं उसको कैलकुलेट किया जाएगा और एक मेरिट लिस्ट निकाल कर आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर कर दिया जाएगा। जैसे ही आपकी पोस्टिंग होगी यहाँ पर, तो आपकी पोस्टिंग जो है महाराष्ट्र के अंतर्गत ही होगी क्योंकि ये कंपनी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, सो वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी, इस बात का ख्याल रखना। और ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, तो अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ऐसा एक्सपीरियंस आप रखते हैं, तो इसे जरूर अप्लाई कीजिए, और साथ ही साथ ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी वीडियो मिस ना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, सेम नेम विद सेम लोगो। थैंक यू।